अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे। आज यहाँ पे हो रहा है जोहा का ब्राइडल शावर, बच्चियों के सारे शौक पूरे हो रहे हैं। आज हमने किसी को नहीं बुलाया बाहर से, सिर्फ बच्चियाँ ही हैं जो जोहा की फ्रेंड्स हैं वो, और मैं हूँ इनका चीफ गेस्ट। क्योंकि मैंने चले जाना है तो मुझे ये हर जगह पे घुसा लेती हैं साथ, और किसी को आने की इजाज़त नहीं दे रही अंदर। ये हमारा छोटा सा फोटोग्राफर है ज़ैनब। ये देखो ये हमारा छोटा सा फोटोग्राफर है। किसकी तस्वीरें बना रही हो? उनकी बना दो, उनकी। चलो चलो स्टार्ट। अम्मी बुला लो। हैप्पी बर्थडे आप जोहा को टॉप में फेंक के कुचल लगा दो। बच्चों की तरह नदीदी ब्राइड मामी आ जाए। मामी यार ही कितने प्यारे लग रहे हैं, मार्शमेलो जैसे। मामी अंदर मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं, चाहे वैसे अजीब लगे लेकिन मार्शमेलो से लग रहे हैं। इससे अच्छा मार्शमेलो ही लगा देता। बच्चे भी देख लें क्या क्या काम करते हैं ये। इन्होंने जब लाइट बंद करके और लाउड म्यूज़िक लगा के हल्ला गुल्ला शुरू किया ऐसे उछलना कूदना, तो मिरा जो थी ना वो डर गई। पहले तो वो इनके साथ लगी हुई थी लेकिन वो वहाँ पे डर गई। तो मम्मी ने हमारे लिए शवारमा ऑर्डर किए थे, वो हमने खाए, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अब तक आगे जोहा की मायूँ हैं तो उसको भी इंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले लोग और पुराने और नए सब लोग इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। आगे देखें हमने रात को क्या किया। रात के 3 बजे हम लोगों ने चाय एंड ग्रिल से ऑर्डर किया है। ऊपर लड़कियां जाग रही हैं, हम रात को 3 बजे ऑर्डर लेने बाहर दरवाजे पे खड़े हैं। चाय एंड ग्रिल पे हमने ऑर्डर किया था। जी हमने मंगाया लोडेड फ्राइज। जब हम उसके होटल पे गए थे तो उन्होंने हमें ज़रा अच्छे लोडेड फ्राइज नहीं दिए थे। नहीं ग्रिल सैंडविच और नीचे पिज़्ज़ा है। सारी बच्चियों ऊपर जाग रही हैं, उनको पता चल जाना है, छापा पड़ जाना है, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता ले आए। पिज़्ज़े का दीवाना, 3 बजे रात के उठ के बैठ गया पिज़्ज़े की शौक में। पिज़्ज़ा भी था, खा लिया हमने। आज हम आए हैं जोहा की मेहंदी और माइयों के लिए डेकोरेशन का सामान लेने। हर चीज़ को लगाई हुई है इन्होंने आग, जो भी पकड़ो वही टनटनाटन है। एक एक चीज़ का रेट आसमान को छू रहा है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेहंदी की ये देखिए, कढ़ाई वाले से, कढ़ाई वाली से लड़ने के बाद हाँ फूफो अपनी एनर्जी बहाल करने के लिए समोसे खाते हुए। ये देखिए, ओहो दही बड़े आ गए। उनकी इतनी मजे की थी ऊपर, खाई आपने वहाँ से? मुझे वहाँ के अच्छे नहीं लगते। ये बन रहे हैं फूल क्रेप पेपर से, ये जोहा बना रही है। जोहा ने ये पहला एक क्रेप पेपर पूरे का पूरा लगा दिया एक फूल पे, ये देखें। उसके बाद इसने छोटा सा लगाया, ये पैसे अपने लगाएगी तो फिर ये छोटे छोटे बनाएगी। अब ये दूसरों के पैसों पे बड़े बड़े बना रही है। छोटा बनाया ये ज़ैनब उधेड़ रही है। जुनाइशा आज सिलाई सीखने में मसरूफ़ है, ये तुरपाई करने में मसरूफ़ है। ये देखें
इधर नहीं देखना उधर। ये नायशा आज अपना सूट सीने की कोशिश कर रही है, नाकाम। ये बच्चियां जो है ना ये सारा कुछ खुद बना रही हैं, इन्होंने बाजार से सिर्फ ये चीजें ली हैं और बाकी सारी चीजें खुद से अरेंज कर करके ये बना रही हैं। एक साथ इधर बना के रखा हुआ है शीशे, इन्होंने अपनी माओ की हर चीज निकाल के थालों पे डाल दी है, गोटा कनारी सारा कुछ। पे हम माइयों की तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये फ्लावर बना के पीछे अरेंजमेंट बनानी है, मैंने काट के रखा हुआ है ये सारा कुछ। यहाँ पे हमने क्रे पेपर से फ्लावर बनाए हैं, ये देखिए, ये भी सारा कचरा मचाया हुआ है, सारा सामान भर के शॉपर में, गोटा कनारियाँ अपना क्या कुछ ढोलकियाँ। यहाँ पे जनेशा ने मशीन रखी हुई है, ये अपनी मशीन के साथ सूट सीने की कोशिश कर रही है, आज इसने पूरा दिन इसी सूट पे लगाया है, मैं इसको सिलाई सिखा रही हूँ। तो ये इसने सी ली है तकरीबन, अब थोड़ा सा रह गया है, ये इसने वैसे वैसे डाली है अंदर, सारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कंप्लीट लुक दिखाएंगे। ये भी बच्चियों ने अपनी एक सजावट की है, ये देखे सारा ऊपर लगा दिया है सिलर की लड़िया छड़िया। ये देखें, मैंने शादी पे नहीं होना, मैं जा रही हूँ वापिस, मैं बस ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देख के अपने घर चली जाऊंगी। ये देखिए यहाँ माइयों की डेकोरेशन हो रही है, ये मेरे सारे असिस्टेंट काम कर रहे हैं यहाँ और मैं इन्हें गाइड कर रही हूँ असिस्टेंट्स को, और मैं यहाँ आराम फरमा रही हूँ, ये सारी डेकोरेशन हो रही है यहाँ। अभी ये दो कलर की लड़ियाँ लगेंगी उसके साइड पे, अभी डेकोरेशन होगी उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसी डेकोरेशन हुई है। ये देखिए ये सारिया की मीनाकारी है, सारिया लड़ियाँ लगाई हैं, और पीछे नहीं मुड़ा जा रहा मुझसे, बस यहाँ से ही देख लो ऐसे ऐसे ही है। ये लेकर ये पता नहीं क्या कुछ, ये चूड़ियां हैं, ये सूट है, ये फूल है, ये सूट है, दो सूट हैं, ये मेरी मेहनत है यहाँ पे मैंने बनाए। मैंने एक तस्वीर बनानी है सीधी सी, मैंने ऊपर उसके डीपी पे लगाने के लिए, डीपी मेरी लगा देना, तेरी डीपी लगा दा, तेरे कली दी भी नहीं आंदे ही ना, पिछली क्यों सामने से लगा दूंगी डीपी, एक मिनट एक सेकंड के लिए आती है वो कौन नजर आती है। ए तू तो उठी तो, ये है रायता, ये है सलाद, और बाहर है बिरयानी, ये है राइस, मैंने कहा बिरयानी है, मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये तो चाइनीज राइस है। बाहर देखें यहाँ फोटो सेशन हो रहा है बाहर सारी लड़कियों का, जोहा की रस्म स्टार्ट हो गई है, उसकी मम्मा और पापा ने स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। Amen.
मेरा जो कपड़े दिखा रहे हैं यहाँ पे देखें, साले दिखा रही है। ये है हमारा उमर, सेल लगी हुई है। ये कोई ये वो कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए, मैं बस पे कर दिया हमने। एक तरह सेल्फी लाई हुई है उधर भी, तो खा खा लेना। ये पता पसंद कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। सॉरी फॉर द नॉइजी बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी, लेकिन उम्मीद है कि आप उन आवाज़ों को भी इंजॉय करेंगे। वहाँ पे मैंने उस वक्त नोटिस ही नहीं किया, लेकिन अब जब मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शोर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद भी वहाँ पे बोला हुआ है तो मैं उसको म्यूट नहीं कर सकती। इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।